Welcome you all in our channel Dr. Agriculturist. I am Devendra Chaudhary. In this video, we are going to discuss about safe use of fungicides. इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीड़कनाशी जैसे कि शाकनाशी, कवकनाशी एवं कीटनाशकों का सुरक्षित उपयोग कैसे करें। सबसे पहले देखते हैं कि ये पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं। अ सब्सटेंस used for destroying insect or other organisms harmful to cultivated plants or to animals. पीड़कनाशी वे पदार्थ होते हैं जो पौधों या जानवरों में हानिकारक कीड़ों या अन्य जीवों को नष्ट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। खेत में उपयोग होने वाले पीड़कनाशी कई प्रकार के हैं, जैसे कि इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड्स, एंटीबायोटिक, हर्बिसाइड्स, निमेटिसाइड्स, रोडेंटिसाइड और एकेरिसाइड्स। क्या ये पीड़कनाशी हमारे लिए हानिकारक होते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ। ये जो पीड़कनाशी होते हैं ये जहरीले केमिकल्स होते हैं और ये इंसान, जानवरों, मधुमक्खियों, लाभदायक कीड़ों, केचुओं और मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के लिए हानिकारक होते हैं। ये हमारे शरीर में त्वचा, मुंह या नाक के द्वारा अंदर जा सकते हैं और ये हमारे सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। इनके कारण मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण भी होता है, इसीलिए हमें इन जहरीले रसायन को सोच समझकर एवं सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। जहरीले रसायन को बाजार से खरीदने, उसे ट्रांसपोर्ट करके घर या खेत तक लाने, उसका उपयोग करने एवं उसके अवशेष को डिस्पोज करने तक हमें सावधानी बरतनी चाहिए। हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं पीड़कनाशी खरीदने के समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। पहला है नॉलेज अबाउट टारगेट ऑर्गेनिज्म। हमें खेत में जिस पेस्ट को कंट्रोल करना है उसी के लिए केमिकल खरीदना चाहिए, जैसे कि कीड़े को कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड, जीवाणु जनित रोगों के लिए एंटीबायोटिक, कवक जनित रोगों के लिए फंजीसाइड्स, सूत्रकृमि को कंट्रोल करने के लिए निमेटिसाइड्स और घास फूस को नष्ट करने के लिए हर्बिसाइड्स खरीदना चाहिए। रीड द लेबल। पेस्टिसाइड्स खरीदने से पहले उसके बॉक्स में या उसके डिब्बे में लिखी हुई सावधानी को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। टॉक्सिसिटी लेबल। पेस्टिसाइड्स के बॉक्स में इस तरह से लेबल बने होते हैं जो कि लाल, पीले, नीले या हरे रंग के होते हैं। जो लाल रंग का केमिकल होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और जिसमें ग्रीन लेबल होता है वो कम खतरनाक होता है, तो हमें हमेशा ग्रीन वाले केमिकल्स को प्रीफर करना चाहिए। प्रतिबंधित उपयोग। कुछ पेस्टिसाइड्स के उपयोग में भारत शासन द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो ऐसे केमिकल्स को हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे रसायन जिसके उपयोग में भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, जैसे कि एलाक्लोर, एल्डिकार्ब, एल्ड्रीन, इंडोसल्फान, हेप्टाक्लोर और कैप्टाफोल। कैप्टाफोल का उपयोग हम पत्तियों में नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग बीजों में कर सकते हैं। बाय स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। हमें पेस्टिसाइड्स को कम से कम मात्रा में खरीदना चाहिए और घर में स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। ऐसी सावधानियां जो पेस्टिसाइड्स के ट्रांसपोर्ट के समय बरतनी चाहिए। पेस्टिसाइड्स को हमेशा खाने पीने की वस्तुओं से अलग रखना चाहिए। पेस्टिसाइड्स को हमेशा एक बंद डिब्बे में ही ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पेस्टिसाइड्स के बॉक्स से कोई केमिकल लीक ना हो। पेस्टिसाइड्स के बॉक्स को हमेशा ग्लव्स लगाकर ही छूना चाहिए, उन्हें नंगे हाथ नहीं छूना चाहिए। हमें सामान को उतारते या चढ़ाते समय खाना या पीना नहीं चाहिए। ऐसी सावधानियां जो
पेस्टिसाइड्स के भंडारण के समय अपनानी चाहिए। अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रन, हमें इन जहरीले केमिकल्स को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। हमें पेस्टिसाइड्स को एक अलग से रूम में रखना चाहिए। हमें हमेशा पेस्टिसाइड्स को उसके ओरिजिनल बॉक्स में या ओरिजिनल डिब्बे में ही रखना चाहिए। अगर हम केमिकल को किसी दूसरे डिब्बे में रखेंगे तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। हमें पेस्टिसाइड्स केमिकल को हमेशा ठंडे और अंधेरे में रखना चाहिए, और जहां पर पेस्टिसाइड्स केमिकल संग्रहित करके रखे गए हैं वहां पर चेतावनी का संकेत लगा देना चाहिए। पेस्टिसाइड्स केमिकल का उपयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानियां। केमिकल की जितनी मात्रा निर्धारित की गई है हमें उतनी ही मात्रा का उपयोग करना चाहिए, एवं उपयोग करने से पहले बॉक्स में लिखी गई जानकारी अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। हमें केमिकल का उपयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि हमारा सिर, आँख, नाक, कान और हाथ अच्छे से ढके हों और केमिकल हमारे शरीर में प्रवेश ना कर सके। दो अलग अलग केमिकल को आपस में मिलाते समय ध्यान रखना चाहिए कि वो दोनों केमिकल आपस में कंपेटिबल हैं, और केमिकल को हमेशा क्लीन वाटर या शुद्ध जल में ही मिलाना चाहिए। हमें क्षतिग्रस्त और लीकिंग स्प्रेयर का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर नोजल ब्लॉक हो गया है तो उसे क्लीन करने के लिए पौधे की टहनी या घास का उपयोग करना चाहिए। मुंह से फूंक नहीं मारना चाहिए। पीड़कनाशी केमिकल का स्प्रे करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि स्प्रेइंग हमेशा हवा की दिशा में हो। अगर हम हवा की विपरीत दिशा में स्प्रे करेंगे तो सारा केमिकल हमारे ऊपर आ जाएगा, और जो कि हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक है। पेस्टिसाइड्स रसायन का उपयोग करते समय हमें खाना या पीना नहीं चाहिए। खेत में पेस्टिसाइड्स का उपयोग करने के बाद खेत के बाहर एक सावधानी का संकेत लगा देना चाहिए, जिससे उस खेत के आसपास से गुजरने वाले लोगों को पता रहे कि इस खेत में जहरीले केमिकल का उपयोग हुआ है। पेस्टिसाइड्स के उपयोग के लिए अलग से एक जोड़ी कपड़ा रखना चाहिए, और उपयोग के बाद इन कपड़ों को, उपकरण को अच्छे से धोकर सुखा लेना चाहिए। उपयोग करने के बाद अच्छे तरीके से साबुन लगाकर हमें नहाना चाहिए। उपयोग के बाद बचे हुए केमिकल्स और उनके डिब्बों को फेंकते समय बरती जाने वाली सावधानियां। पेस्टिसाइड्स के कचरे को जमा नहीं करना चाहिए, और इनका उपयोग किसी अन्य कार्य में नहीं करना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। उपयोग के बाद बचे हुए पेस्टिसाइड्स केमिकल को जमीन में गड्ढा खोदकर अच्छी तरीके से दबा देना चाहिए। पेस्टिसाइड्स के डिब्बों को या उनके पैकेट्स को उपयोग के बाद अच्छी तरीके से तोड़कर उन्हें जमीन में दबा देना चाहिए, और उनका उपयोग किसी अन्य कार्य में नहीं करना चाहिए। पेस्टिसाइड्स बॉक्स में उपस्थित कागज को जला देना चाहिए। उपयोग के बाद बचे हुए केमिकल्स को बहते हुए पानी में नहीं डालना चाहिए। सबसे अच्छी सावधानी यह है कि हमें इन जहरीले केमिकल्स का उपयोग नहीं करना चाहिए या बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए। खेत में लगने वाले कीड़े, बीमारी, इन सब से बचने के लिए हमें एकीकृत हानिकारक पीड़क प्रबंधन अपनाना चाहिए। हमारे पास इन केमिकल्स के अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं जिनके द्वारा कीड़े और बीमारी से बचा जा सकता है, और हमें धीरे धीरे जैविक खेती की ओर अग्रसर होना चाहिए। ऐसा करने से इन जहरीले केमिकल से हमें छुटकारा मिलेगा, और इनसे होने वाली बहुत ही खतरनाक बीमारी जैसे कि म्यूटेशन या कैंसर, इन सब से बचा जा सकता है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। Please watch more videos from our channel. You can download lecture PDF from our Telegram channel.
Don't forget to subscribe Dr. Agriculturist and hit the notification bell. Follow our Facebook page Kheti Ki Jankari. Thanks for watching the video till end. We will meet again in next video.